सभी को मेरा आत्मबंधन बहुत टाइम बाद में माना हुआ है और आज मैं चैप्टर टू और थ्री कोशिश करती हूँ थ्री भी आज कंप्लीट हो जाए अगर रह जाता है तो फिर आगे के लिए नहीं तो आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ मैं कि आज ही हो जाए हो जाए तो अच्छा है मैम स्क्रीन शेयरिंग कर सकती हूँ हाँ तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर बताने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट है और अभी हम लोग मॉल से ही बाहर आए हैं तो का जो चैप्टर है सेकंड एक चीज और बताना चाहूंगी जो ओशो ने इसका जो वर्णन किया है धम्मपद का इसमें सिर्फ अकेले धम्मपद के सूत्रों को ही नहीं लिया गया है इसमें बीच बीच में जो भी ओशो के भक्त थे वो भी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे तो उसको भी इसमें लिया गया है जिससे कि और अच्छे तरीके से इसको समझा जा सके कि वो क्या बताना चाह रहे हैं तो अभी यहाँ पर जो है वो एन एम टी चेयर जैसे कि ये एक वर्ड है जो ओशो ने यूज किया है इसके लिए खाली कुर्सी वो इस खाली कुर्सी के जरिए आपको ये बताना चाह रहे थे कि साइलेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है और अगर आप बुद्ध को समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा जापान में टेम्पल है जहां पर बुद्ध का मंदिर है वो लेकिन उसमें बुद्ध की कोई स्टैचू नहीं है वो रूम पूरा खाली है वहां पे सिर्फ एक चेयर है और कुछ भी नहीं है तो वहां के मंदिर के बारे में वो बता रहे थे कि उस जगह पे जो भी जाते हैं विजिट करने के लिए या बुद्ध के टेम्पल देखने के लिए वहां वो पूछते हैं कि ये तो बुद्ध का टेम्पल है लेकिन यहाँ तो बुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ तो कोई उनकी स्टेचू है ही नहीं है तो जो वहाँ के भिक्षुक होते हैं बौद्ध मठ में जो रह रहे होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो शांत है ये जो मौन है जो साइलेंस है ये ही बुद्ध है और बुद्ध को बताने के लिए किसी स्टैचू की जरूरत नहीं है क्योंकि आप किसी एक मूर्ति में उनको सीमित नहीं कर सकते और बुद्ध जो है वो एक कोई आकार में जरूरी नहीं है कि वो आकार में ही हो वो एक सुगंध है यानी एक ऐसी सुगंध जो हर जगह व्याप्त है बुद्ध आकार में अगर आप देखेंगे तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे उनका कोई आकार नहीं है तो एक जो शांत हॉल है और जो एक खाली जगह है एम्प्टी प्लेस वो ही बुद्ध को बताने के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि अगर हम स्टैचू का यूज करते हैं या फिर हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो हम उसको मतलब झूठा कर देते हैं कहने का मतलब कि अगर आप ईश्वर को अपने ही सीमित जो हमारी चीजों को जिन जिस लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज का जो हमें नाम दे रखा है अगर हम उन उस लैंग्वेज में स की लैंग्वेज में अगर हम उसको ट्रांसलेट करने की या उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो एक तरीके से आप उसको छू भी नहीं पाए हैं आपने उस चीज को झूठा कर दिया यानी आपने उसको अपने लेवल पे लेकर के आ गए हैं तो कुछ ऐसी अनुभूति होती है कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते खुशबू को आप क्या नाम दोगे वो दिखती है क्या लेकिन उसका एहसास है हवा हमने नाम दे दिया है लेकिन हवा क्या है स्पर्श होता है तब हमें महसूस होती है सी तरीके से बुद्ध को कोई नाम या कोई शब्द उनके लिए बता पाना किसी शब्द में ये पॉसिबल नहीं है जितने भी हम वेद पढ़ते हैं उपनिषद है कोई भी ग्रंथ ले लीजिए किसी भी धर्म का उन सभी धर्म ग्रंथों में आपको ईश्वर के बारे में जितना शब्दों में वर्णित जहां तक किया जा सकता है वहां तक किया है लेकिन एक वक्त पे आने के बाद वो भी शांत हो गए यानी कि कुछ चीजें उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दी है समझने के लिए कि अब यहां तक हमने बता दिया है अब इसके आगे आपको ही इसको अनुभूत करना है उंगली पकड़ के आपको कोई वहां तक लेकर के नहीं जाएगा यानी कि वो एक है सीमा जहाँ आने के बाद शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ मौन ही काम करता है तो जितना ज्यादा अगर हम साइलेंस में रहते हैं मौन को समझते हैं हम उतना ज्यादा बुद्ध के करीब आते हैं बुद्ध का मतलब यहाँ पे सिर्फ गौतम बुद्ध से ही नहीं है बुद्ध का मतलब हमारी उस बुद्धत्व से है हमारी उस चेतना से है उस आत्मा से है जो हम सबके अंदर वास करती है तो अगर वहां तक पहुंचना है तो उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ मौन है मौन ही उसकी अभिव्यक्ति है और किसी भाषा में उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता तो साइलेंस का ये पावर है आगे मैं आपको बताऊंगी साइलेंस एंड प्रेयर जो भी हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों में क्या फर्क है देखिए साइलेंस तो हम लोग को पता है कि हम जब खुद के साथ होते हैं और अकेले होते हैं सिर्फ अपने में ही होते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो मेडिटेशन होता है प्रार्थना में क्या होता है क्या प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर को पहुंच सकते हैं उसको जान सकते हैं प्रार्थना एक माध्यम है जिसमें आप क्या करते हो इसमें दो होते हैं यानी कि एक आप खुद और एक आप किसी सुप्रीम पावर को संबोधित करते हैं यानी कि हमेशा प्रार्थना में दो की जरूरत होती है आप उसमें एक कहते ना जीव आत्मा खुद को जान करके आप उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यानी कि विभाजन फिर भी रहता है एक ऐसा विभाजन है चाहे सुंदर प्रार्थना कितनी भी सुंदर हो कितने भी प्यारे शब्दों में कही गई हो लेकिन है तो वो एक डिस्टेंस एक दूरी ही बनी रहती है आप उसमें मर्ज नहीं हो पाते क्योंकि आप कभी उस चीज को अपने तक लेके नहीं आ पाते हैं तो प्रार्थना में एक क्रिश्चियन जो धर्म है वहाँ उसकी एक बुक है बहुत अच्छी आई एंड यू यानी मैं और तू जो पूरे एक संवाद के ऊपर है उसमें बहुत सुंदर संवाद किया गया है ईश्वर के बीच और जो प्रेयर कर रहा है भक्त उसके बीच में लेकिन फिर भी ये विभाजन को दिखाता है कहीं ना कहीं एक नदी जैसे होती है उसको रिवर में मिलना है लेकिन वो एक पॉइंट है जहां पे वो अटकी हुई है लेकिन अभी मिली नहीं है तो वो जो विभाजन है वो उसमें रहता ही है और मेडिटेशन में क्या होता है साइलेंस में जब शब्द खत्म हो जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द ईश्वर को व्यक्त नहीं कर सकते एक अनुभूति है जो आपको साइलेंस में ही होती है तो जब आप चुप हो जाते हैं कुछ नहीं कहते हैं साइलेंट में चले जाते हैं तभी आप उसको अनुभूत कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर को महसूस करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति को जानने के लिए अनुभूत करने के लिए आपको अपने मन से अपने विचारों से पूरी तरीके से शांत होना होगा जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं मौन हो जाते हैं तभी वो घटित होता है आप ईश्वर को पकड़ नहीं सकते शब्दों में बांध नहीं सकते वो घटित होता है अपने आप आप वर्णन नहीं कर सकते उस चीज का वर्णन किसी ने कर ही नहीं पाया है अभी तक तो इसमें एक जो कोट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि गॉड स्पीक्स इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट लिसनिंग इज द बिगनिंग ऑफ प्रेयर यानी कि जब हम ईश्वर से पहले प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या होता है सिर्फ सुनना होता है हमारा बोलना होता है और उसका सुनना रहता है लेकिन वो बोलता कब है हमसे बात कैसे करता है हम जब तक मौन नहीं होंगे तब तक हम उसको सुन नहीं सकते ओशो ऐसा बोलते हैं कि जैसे ईश्वर ने पहले मीरा से बात की कबीर से बात की और जितने भी मास्टर्स हैं उन सब से बात की ठीक उसी तरीके से गॉड इस वक्त हमसे भी बात करते हैं लेकिन वो उपलब्ध थे वो खाली थे उन्होंने उस चीज को सुना उपलब्ध का मतलब होता है अपने आप में ही थे वो खाली थे बिल्कुल अपने शब्दों से विचारों से भावनाओं से एकदम खाली थे इसीलिए वो उनको सुन पाए जब आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कॉलिंग देती है आपसे बात करती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है लेकिन शोर इतना रहता है हमारे मन का कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते तो जब अगर ईश्वर से संवाद करना है या उसको समझना है उसको जानना है महसूस करना है तो उसके लिए साइलेंस से बेहतर कोई चीज है ही नहीं जब तक आप मौन में नहीं जाएंगे आप उसको अनुभूत नहीं कर सकते ट इज ट्रुथ ट्रुथ क्या है बहुत टाइम से हम सब लोग सच के बारे में जानते हैं सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है किसने सच को क्या समझा है किसने क्या जाना है आप जितने लोगों से पूछोगे सच सभी लोग आपको जो ट्रुथ है उसके बारे में कुछ डिफरेंट ही बताने वाले हैं अलग अलग बताने वाले हैं तो ट्रुथ जो है जो सुप्रीम ट्रुथ है आप उसको समझ नहीं सकते क्योंकि जो सुप्रीम ट्रुथ है अगर आप उसको बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अंदर तक नहीं जाएगा और जब तक ट्रुथ आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक आप उसको समझ नहीं सकते वो बुद्धि तक आएगा आपके मन में बहुत सारे खुद की अपनी कल्पनाएं स्टार्ट हो जाएंगी लेकिन आप उसको जो रियल सेंस है उसको फील नहीं कर सकते तो ये क्या है आप सच को समझ नहीं सकते सच घटित होता है ये अपने आप आता है इसे करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने की कि आप कुछ करेंगे तभी ये आएगा सच अपने आप घटित होता है और जब वो अपने आप घटित होता है तब आपको ये पता चलता है कि यू आर द ट्रुथ यानी कि जो सच आप इधर उधर भटक रहे थे जान रहे थे वो बाहर तो कहीं है ही नहीं मैं ही ट्रुथ हूँ यानी कि हम सब सच से बने हैं सच क्या है सच हमारी चेतना है हम सत्य के बने हुए हैं ठीक है तो इसको जो जानने से रोक रहा है बीच में वो हमारा डूर है यानी कि हमारा कर्ता हर वक्त हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जब तक हम करना बंद नहीं करेंगे ईश्वर की आवाज सुन ही नहीं सकते क्योंकि हम बिजी हैं किसी ना किसी चीज में हम बिजी हैं जब आप बिजी होना बंद करेंगे बिल्कुल खाली होंगे शांत बैठेंगे तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं तो आपको अपने डूअर को हटाना होगा कर्ता भाव को हटाना होगा कि मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं तो ये बोल के मत कीजिए कि आप ध्यान कर रहे हैं आप बस आंख बंद कीजिए और अपने साथ एक हो जाइए बस मैं सिर्फ मैं ओके मैं और सिर्फ सच और कुछ भी नहीं आप अपने साथ एक होकर के ध्यान में बस बैठ जाइए कि आप ये भी मत सोचिए कि आप ध्यान कर रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं तो भी क्या है इसमें करता भाव आ रहा है अगर आप ये सोच के ध्यान करेंगे मैंने तो ध्यान किया मैं तो इतने घंटे ध्यान करती हूँ अरे मैं तो इतने साल से ध्यान कर रही हूँ तो क्या आ गया यहाँ पे आपका ईगो आ गया आप ध्यान करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे आप जब तक अपना वो ईगो वो अपना आई जो आपको आइडेंटिफाई करता है उस चीज से रिलेट करता है आपके एक्सपीरियंस से आपके टाइम से क्या आप कितने ड्यूरेशन से कर रहे हैं सारी चीजें जब तक आप खुद से कनेक्ट करके रखेंगे तब तक वो घटित नहीं होगा आपने नोटिस भी किया होगा कि जब मेडिटेशन के दौरान हम लोग बहुत डीप में चले जाते हैं साइलेंस में चले जाते हैं जब एक ऐसी स्टेट फील होती है जब कोई विचार नहीं होता हम हैं बस एक यही अनुभूति बनी रहती है कि मैं हूं बट मैं हूं में भी वो कलता भाव नहीं रहता बस साइलेंस रहता है वो प्रेजेंस रहती है और उस प्रेजेंस को आप ओनली फील कर रहे होते हो और कुछ नहीं होता तब आप उस वो सच होता है वो स्टेज है उसकी घटित होने की तो आपका ईगो जो है आपको वो बहुत रोकता है अगर आप ज्यादा ध्यान साधना भी करते हैं और आप इस चीज का अगर माइंड में लेके चल रहे हैं तो वो भी आपका ईगो है जो आपको इसके बियॉन्ड जाने नहीं देगा आपको रोकेगा तो भाव भाव को खत्म करना है डूवर को खत्म करना है मन से निकलना है और अपनी सोल स्टेट में आना है अपनी आत्म स्थिति में आना है सच और कुछ नहीं सिर्फ आपकी चेतना है यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस ही ट्रुथ है हम ट्रुथ को इधर उधर ढूंढते हैं बच्चों को हमेशा से सिखाते हैं ये सच है वो सच है लेकिन नहीं सच सिर्फ एक ही है वो है आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस को जानना उससे कनेक्ट होना उस, उसको जा, जानना कि हम चैतन्य हैं वो ही सच है और कब आता है ये नो no माइंड जब जब आप अपने बिना दिमाग के बिना किसी विचार के बिना किसी भावना के खुद के साथ होते हैं अब ये जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके ही हो कभी कभी खुली आंखों से भी ट्राई कीजिए सिर्फ एक एम्प्टी प्लेस में देखने की प्रैक्टिस कीजिए कि अगर जो कुछ भी आपको सामने दिख रहा है आप ये मान लीजिए कि ये है नहीं और जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा यानी कि अगर आप स्काई को भी देखते हैं तो सिर्फ वो खाली जगह को ही देखिए जैसे जैसे आप खाली जगह को थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे ना आधा मिनट टेन सेकेंड फिफ्टीन सेकेंड मैंने करके देखा है मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ उस वक्त ऐसी स्टेट आती है कुछ सेकेंड के लिए मेरे साथ में कि कोई थॉट नहीं होता यानी इमिडिएटली आपके माइंड में कोई थॉट ही नहीं है आप बस देख रहे हो ना आपके दिमाग में ये आता है कि ये वॉल है कि ये स्काई है जस्ट स्टॉप आपको एक सेंटेंस बोलना होगा मतलब कि आपको कुछ सोचना नहीं है स्टॉप साइलेंस ओनली साइलेंस स्टॉप आपको सच में वो साइलेंस फील होगी आपको कोई थॉट आएगा ही नहीं मैं, मैं देख रही थी इधर उधर ऐसे लेकिन कोई विचार ही नहीं आ रहा था ट ही नहीं आ रहा था लेकिन हम बहुत जल्दी उससे स्लिप हो जाते हैं ज्यादा देर के लिए उसमें नहीं रह पाते कि हम लोग की प्रैक्टिस नहीं है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आएगी और धीरे धीरे ये चीज आपको फुल आंखों से भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ये सच होने लग जाएगी ट्रुथ अस्तित्व में है यानी अस्तित्व की गहराई में है जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी चीजें जो अस्तित्व में है उसकी गहराई में सच है अगर आपको इस चीज को जानना है तो थोड़ा सा माइंड को शट डाउन करके आप इस चीज को सोचिए कि जितनी भी चीजें एक्सिस्टेंस में हैं सिवाय के वो सब चुप हैं क्वाइट है चाहे वो स्काई हो चाहे अर्थ हो माउंटेन्स हो रिवर हो एयर हो वाटर हो फायर हो कुछ भी जो भी चीज अस्तित्व में है वो क्या है सिर्फ मौन है वो शांत है तो उसी शांत की जो उनकी स्टेट है वो उस चीज को फील करके ही आप वहां तक कनेक्ट हो सकते हैं इसके लिए आपको खुद नेचर से कनेक्ट होना होगा अपने आप से कनेक्ट होना होगा उसकी डेप्थ को समझना होगा एग्जिस्टेंस की तो आप उस सच को अनुभूत कर सकते हैं और हम लोगों के साथ में क्या होता है हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना तो तुरंत उसको लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको लेबल नहीं करना है मतलब लेबल बल्ल करने का मतलब हो गया कि आप उसको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं आपको कंट्रोल में नहीं करना है अस्तित्व में खुद को उसके उसके वशीभूत हो जाने देना है किसी चीज को वशीभूत करना नहीं है आपको लेवल करके कभी फ्री हो के खुद को सौंप दीजिए नेचर के हवाले वो आपको अपने उस चीज में आपको इतना बिखेर देगा एक अंदर से इतना जॉय कितनी खुशी आपको फील होगी कि जो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना तो उससे नहीं होगी तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने से फील होंगी ये नेचर इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे बहुत रोना आया था सच में कि नेचर ही वो प्लेस है जो गॉड का रियल टेम्पल है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसी नेचर को कट करके उसको डिस्ट्रॉय करके अपने खुद के टेम्पल बना रहे हैं कौन से टेम्पल जो हमारी बुद्धि की देन है जो हमारी बुद्धि हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस और हमारी फीलिंग्स जो भी हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं इन चीजों की फाइट में इन सब चीजों में हम इतना ज्यादा खुद को मतलब खुद खुद हम खुद अपने हृदय से दूर आ गए हैं कि हमें चीजें रियल क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है तो हम अपने मंदिर बनाने के लिए अपने धर्म के मंदिर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं नेचर को खत्म करते जा रहे हैं उसको गंदा करते जा रहे हैं और जबकि नेचर ही ईश्वर का पहला मंदिर है जो ईश्वर ने खुद बनाया है तो एक चीज है यहाँ पे जो बुद्ध है महावीर है मोहम्मद है जितने भी लोग हैं जो अलाइंटेड हो चुके हैं वो सारे के सारे मास्टर्स को जो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो नेचर में ही हुई थी जैसे बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को जंगल में प्राप्त हुआ मोहम्मद को एक पहाड़ी की चोटी पे ज्ञान प्राप्त हुआ और नानक है कबीर है जितने भी अलाइंटेड मास्टर हैं लाउज जो है वो कभी टेम्पल नहीं गए इवन टेम्पल्स में कभी किसी को आत्मज्ञान प्राप्त होते हुए देखा ही नहीं गया है क्योंकि वो बुद्धि का द्वार है वहां पे जो फियर एनर्जी होती है और जो डिस्टेंस रहता है ईश्वर के बीच और हमारे बीच वो डिस्टेंस खत्म नहीं होता इसीलिए क्या हुआ है हमें वहां पे आत्मज्ञान किसी को भी मिलता हुआ नहीं देखा गया है तो जितने भी सबको जिन जिन लोगों को आत्मज्ञान मिला है वो सब प्रकृति में मिला हुआ है यहाँ पर हमें उन तरीकों को रोकना होगा जो हमें गॉड और हमारे बीच में हमने क्रिएट किए हैं अब हमें वो वो तरीके तरीके जानने हैं हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो हमको ईश्वर से कनेक्ट होने से रोकते हैं यानी कि एक तो हमारा ईगो सेल्फ हो गया जो हमारा ईगो हो गया आई हमारा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा आप ईश्वर से दूर होंगे क्योंकि ईश्वर के राज्य में प्रवेश में ईगो की कोई जगह नहीं है जब ईगो खत्म होता है तब गॉड का जो एम्पायर है या जो हृदय का द्वार है, है। तब वो खुलता है। जब तक आप अपने ईगो से चुपके हुए रहेंगे आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो जितना ज्यादा ईगो बड़ा होगा उतनी ज्यादा गॉड से डिस्टेंस रहेगा अपने आप से डिस्टेंस गॉड मीन अपनी अंतरात्मा अपने आप से डिस्टेंस रहेगा और जितना छोटा आई होता चला जाएगा आपका लेस होता चला जाएगा उतनी ही ज्यादा आपके और, और आपके अंतरात्मा के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी आप उसको सुनना स्टार्ट करेंगे ईगो हमारा किस किस तरीके से बढ़ता है हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो भी हमारा ईगो बढ़ता है अगर हम बहुत ज्यादा दान देते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर है वो सब करने के बाद में उसको साइड में रख देना होता है अगर आप उसको सर पे चढ़ा लेंगे और उसको याद रखेंगे तब वो आपका ईगो बन जाता है तो आपको ईगो को कम करना है और जितने भी हमारे धर्म हैं, चाहे वो कोई भी धर्म रहने दो वो सारे धर्म क्या है वो फेथ पे नहीं हमारे फियर पर बेस्ड है क्योंकि जितने भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं चाहे तो चर्च में जो पादरी है चाहे तो मस्जिद में है कहीं भी किसी भी धर्म में ले लीजिए वो सभी आपको डराते हैं हमेशा डरा डरा के ही रखते हैं हम भी बच्चों को जो बड़ा करते हैं अरे ऐसा मत करो भगवान नाराज हो जाएंगे अरे ये तुमने नियम क्यों तोड़ दिया अब तुमने ऐसा किया देखो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे वो पाप देते हैं ये कहते हैं तो इतना ज्यादा हमने डर बैठा दिया है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते तो पहला जो ऑब्स्टिकल है हमारा वो एक है हमारा ईगो और दूसरा है हमारा फियर तो जितना ज्यादा हम डरेंगे डर की फियर की एनर्जी में रहेंगे हम नहीं पहुंच सकते डर हमको रोक के रखता है कंट्रोल करके रखता है और उस ईश्वर से जिसने हमें खुद बनाया है हम खुद चलते फिरते ईश्वर की उसकी प्रतिमा है हम उसी की रचना है हम उससे क्यों डर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें डरना सिखाया है तो जब तक आप डरेंगे अपने ही ईश्वर से तो आप नजदीक नहीं आ सकते तो आपको डरना डरना बंद करना होगा यानी पुजारियों हो, जितने भी राजनेता हैं लीडर्स हैं ये सब लोग फियर को ही हमारे अंदर बढ़ाते हैं और ये फियर के बेस पे ही चल रहे हैं अगर हमारा फियर खत्म और फियर कब खत्म होता है जब आप अपनी चैतन्य स्थिति में आते हैं जब आप खुद को रियलाइज करते हैं कि आप कौन है आपका ट्रू सेल्फ क्या है जैसे जैसे आप उसके नजदीक आने लग जाएंगे आपका फियर कम होता चला जाएगा और एक दूसरी चीज और भी रहती है कि जो अननोन है हमारे लिए हमें उसकी तरफ जाने में बहुत डर होता है यानी कि जो चीजें हमें बचपन से बताई गई हैं उनको फॉलो करते रहना बहुत इजी होता है इतना इतना बता दिया है इतना इतना जान लिया है हमें इतना इतना करना है अगर हमें बोला जाए कि सब कुछ बंद करके आपको अननोन में स्टेप रखना है यानी कि जो चीज आपको नहीं पता है अभी तक नहीं जानी किसी ने भी नहीं बताई आपको अपने अंदर जाना है तो उसी में सबसे ज्यादा फियर हम हम लोगों को आता है तो यहां पर ये कहा गया है बुद्ध ने ये चीज बोली है कि अज्ञात में कदम बढ़ाओ अज्ञात मतलब एक ऐसा क्षेत्र एक ऐसा एरिया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता यानी कि हमारा अंतर मन जब हम अंदर की गहराइयों में जाते हैं अपनी तो वो क्या है वो नोन नहीं है वो अनोन है ना हमें कुछ पता ही नहीं कि अंदर जाने के बाद हमें क्या होने वाला है क्या एक्सपीरियंस आने वाला है कब क्या होने वाला है तो अंदर जब हम जाएंगे तभी हमारा फियर कम होगा और ये जो अननोन की जर्नी है ये एक अंतहीन यात्रा है इसको ओशो ने तीर्थ यात्रा बोला है अंदर की तीर्थ यात्रा बाहर की तो तीर्थ यात्रा हम सब लोग करते रहते हैं और बहुत करीबी है अंदर की जो तीर्थ यात्रा है वो ही आपकी असली तीर्थ यात्रा है क्योंकि बाहर की तीर्थ यात्रा आपको कहीं पहुंचाने वाली नहीं है वो बस एक एंजॉयमेंट है कि आप गए और घूम करके आ गए वो एक इसी तरीके से जैसे लोग किसी मेंबर बन जाते हैं कोई ना कोई सोसाइटी के और किसी सत्संग में चले गए किसी भजन में चले गए वहां कुछ लोगों ने मीटिंग की मिले और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट किया बातचीत की और वापस आ गए क्योंकि उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है तो जब आप अंदर की यात्रा करेंगे अननोन की तभी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है और वो एक तीर्थ यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है ये जो मैं अभी आपको जितना बताया था वो सेकंड चैप्टर का था जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए अभी मैं यहाँ पे थर्ड चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि है सत्य या असत्य यानी कि ट्रू ऑफ फॉल्स सेकेंड चैप्टर में पूरा मौन के बारे में बताया हुआ है मौन की इंपॉर्टेंस बताई हुई है यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि क्या चीज है जो फेक है यानी कि जो झूठी है और लेकिन जिसको हम पूरी जिंदगी सच मान के जीते रहते हैं तो हकीकत में सच क्या है और झूठ क्या है आज इसके बारे में हम जानेंगे ये बुद्ध का सूत्र है धम्मपद का असत्य को सत्य समझना और सत्य को असत्य समझना इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं इसमें हम अपने हृदय को अनदेखा करते हैं और अपने आप को इच्छाओं से भर लेते हैं यानी कि असत्य को असत्य की तरह से देखना है और सत्य को सत्य की तरह से देखना है तभी हम अपने हृदय में झांक पाएंगे और हृदय में झांक पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे अपने स्वभाव का अनुसरण कर पाएंगे और एक अविचलित मन एक विचलित मन एक खराब छत है ठीक है जुनून और बारिश की तरह है जो घर को भर देता है और लेकिन अगर आपकी छत मजबूत है तो क्या होगा आश्रय देगा यहाँ पे छत का जो मतलब है खराब छत का मीनिंग है मन और मजबूत छत का मीनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है आपके हृदय को आपका हृदय अगर मजबूत है मतलब आप अपने हृदय से अगर कनेक्टेड हैं तो वो आपको आश्रय देगा और अगर आप अपने हृदय से दूर है और आप मन में ही है तो मन का क्या स्वभाव है जरा सा कुछ भी बाहर की कंडीशन चेंज होते ही कोई भी चीज है इफेक्ट वो आपके अंदर एक निगेटिविटी उसका पूरा इफेक्ट आपके अंदर लेकर के आ जाता है और आपका घर यानी कि आप खुद को पूरी तरीके से भर देता है एक जुनून एक बारिश की तरह से वो आता है बाढ़ की तरह से और आपको पूरी तरीके से हिला के रख देता है क्यों रख देता है क्योंकि आप अपने मन में रहते हैं और आपकी जो मन की छत है वो खराब है वो हमेशा विचलित रहती है इसीलिए असत्य को सत्य समझना यानी कि मन को सत्य समझना और सत्य को असत्य समझना मीन्स अपने हृदय को असत्य समझना और इसमें क्या करते हैं हार्ट को इग्नोर करके हम मन को इच्छाओं से भर लेते हैं मन यानी कि इच्छा और इच्छा का मीनिंग क्या होता है हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहना हमेशा इच्छा में कोई दूसरा ही शामिल होता है चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वो कोई चीज हो आप हमेशा जब भी सोचते हैं कोई भी इच्छा करते हैं उसके लिए तीसरे की या दूसरे की जरूरत होती है और जब आप अकेले होते हो मन में होते हो इसका मतलब कोई इच्छा नहीं आपके अलावा कोई है ही नहीं दूसरा सिर्फ आप ही हो जब आप अपने आप को अपने साथ ही रखोगे तो कोई इच्छा ही नहीं होगी मतलब किसी का विचार ही नहीं आएगा ना किसी चीज का ना ही आपको पास्ट का आएगा ना फ्यूचर का आएगा ना किसी पर्सन का आएगा तो इसलिए सत्य को सत्य की तरह से ही देखना हमें शुरू करना होगा जो कि हमें पता ही नहीं है कि अभी तक के असत्य क्या है और सत्य क्या है वट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फाइंडिंग द ट्रूथ आपको सच को जानने से क्या क्या चीजें हैं जो रोकती हैं अब जैसे सच पता चल गया आपका हृदय अब आपका खुद का अपना अपना आपका स्वभाव आपका अपना स्वभाव का मीनिंग है आपकी चेतना का स्वभाव जो आपकी सोल का बिहेवियर होता है जो हम खुद हैं उसको जानने से कौन सी चीजें जो हमें रोकती हैं पहला है धर्म ठीक है धर्म क्या है अब यहाँ धर्म की दो डेफिनेशन बताऊंगी एक तो धर्म वो है जो हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं यहूदी हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ एक तो इनके जो विचार होते हैं ये आपको सच तक जानने से रोक रहे हैं यानी कि अगर आप हिंदू हैं और आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसका मतलब है कि आपके पास सच को लेकर के पहले से ही कुछ पूर्व निश्चित विचार हैं आप पहले से ही सच के बारे में काफी कुछ जानते हैं और अगर आप उसको साथ में रख के आप अगर और सच को जानना चाहेंगे तो आप पहुंच ही नहीं सकते नहीं जान सकते क्योंकि सच को जानने के लिए आपको अपने पहले के विचारों को छोड़ना होगा और अगर सच इसी तरीके से सामने आता है कि भाई मैं हिंदू हूँ मैंने जो बताया वो ही सच है तो भी जितने धर्म है उतने सच है सच अलग अलग तो नहीं हो सकता ना सच तो एक ही है तो आपको अपने सच के जो पहले के विचार हैं जो आपको कहीं से मिले हैं वो आपको छोड़ने होंगे और दूसरा धर्म सुनिए एक धर्म ये है एक धर्म होता है हमारी आत्मा का धर्म यानी कि हमारी आत्मा का धर्म यानी कि धर्म वो चीज है जो आपको अपने खिलाफ जो भी चीज है आपको खुद से जोड़ने से आपके नजदीक आने से रोकती है उन सभी चीजों के खिलाफ एक विद्रोह है यानी आध्यात्मिक लोगों के लिए धर्म क्या है एक विद्रोह है उन सभी चीजों के खिलाफ जो आपको सिखाई गई हैं और जो आपको अपने से जाने से जाने उसको समझने से रोकती हैं उन सभी चीजों के खिलाफ जो धर्म है वो एक विद्रोह है जो कि बुद्ध ने किया जय कृष्ण मूर्ति ने किया ओशो ने किया जितने भी अलाइंटेन मास्टर हैं उन सभी लोगों ने ये विद्रोह किया है कि वो समाज में जो भी हमारी शिक्षा चल रही है हमारी जो भी ईश्वर को लेके हमारी पूर्व धारणाएं हैं उन सबके खिलाफ उन्होंने क्या किया एक विद्रोह किया है एक वो धर्म है. है एक री वो है जो हमें पता है कि हम डेथ होने के बाद दोबारा बर्थ लेते हैं दोबारा से एक नई जर्नी स्टार्ट करना यहाँ पर री वो री की बात हो रही है जो आपको आत्मज्ञान देता है यानी कि इसी जन्म में इसी शरीर में अगर आपको आत्मज्ञान होता है है। तो वो आपका यानी कि आपको पुनः जन्म के लिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है अगले में ही होगा ठीक है अगले में लेकिन अगले की क्या गारंटी है क्योंकि अगले जन्म में फिर से आप किसी ना किसी समुदाय में किसी ना किसी धर्म में किसी ना किसी एक विचारधारा के जो समुदाय होते हैं उनमें आपका बर्थ होगा और फिर से आपको वही सारी चीजें फीड की जाएंगी उनके अकॉर्डिंग जो आपको अभी फीड की गई है आपके समुदाय में आपके ग्रुप में जो आपको सिखाया गया है तो फिर से वही स्टार्टिंग है इसका मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने सीखी हैं उन सभी चीजों को जीते जी खत्म कर देना खुद को उससे मुक्त कर लेना अपने पास्ट से खुद को अलग कर लेना यानी कि जो हो गया है उसको समझ के माफ करके दूसरों को माफ करके खुद माफी लेके उसको ओवर कर देना और अब आगे से आप एक नई जर्नी पे हैं एक नई जिंदगी शुरू हुई है उस उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना आत्मज्ञान को प्राप्त करना वो आपका रि है जैसे कि यीशु ने कहा था ईश्वर के, के साम्राज्य में आने के लिए आपको फिर से बच्चे जैसा होना होगा तो बच्चे जैसा होने का मतलब है है, मासूम स्थिति में रहना, यानी कि नॉलेज को जो भी आपने को पता है, उसको हटा करके मासूम स्थिति में रहना और उपलब्ध रहना जो भी आपके हृदय से आएगा उसको अगर आप पहले से ही अपना माइंड आपका बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा तो आप ही नहीं सकते उस चीज को जो आपकी हार्ट आपको कॉलिंग कर रही है या आपसे बात कर रही है आप सुन ही नहीं सकते उसको आप पर टाइम ही नहीं है उसको सुनने का तो हमेशा मासूम स्थिति में रहना एक बच्चे की स्थिति में रहना वो ही आपका पुनर्जन्म होता है यानी कि ये इसी जन्म में आपको वो सारे बंधनों को मुक्त करना होगा जिनसे आपने खुद को बांध के रखा हुआ है अब ये जर्नी हार्ट टू माइंड ये बहुत अच्छी चीज है यानी कि एक दिल है हमारा यानी एक छोटा बच्चा होता है उसके पास माइंड नहीं होता उसका डेवलप नहीं होता वो दिल के साथ पैदा होता है तो उसकी जर्नी कैसे कैसे एक दिमाग में विकसित हो जाती है ये पूरी हम सबकी जर्नी है यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिस भी फैमिली में वो पैदा होता है तो जब वो छोटा होता है तो वो अपने दिल से कनेक्ट रहता है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है लव की एनर्जी में रहता है लेकिन हम उसको धीरे 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 सिखाना शुरू करते हैं जैसे जैसे हम उसको सिखाना शुरू करते हैं अपने तौर तरीके अपने नियम और किस तरीके से क्या करना है ये सारी चीज़ों को जो हम उसके अंदर ट्रेंड करते हैं उसको फीड करते हैं और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे कॉलेज हैं हमारे स्कूल्स हैं सोसाइटी है, है पॉलिटिशियंस हैं लीडर्स हैं ये सारी चीज़ें उसके मन को बनाती हैं उसके मन को डेवलप करती हैं तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो हम सब लोग उसको एक ही चीज सिखाते हैं कि बाहर जो भी वर्ल्ड है जो भी चल रहा है उसमें रन करना है उसे भागना है उसको बस उस, अपना लॉजिकल माइंड डेवलप करना है ज्यादा से ज्यादा तो उसमें क्या होता है ना लव हृदय से रिलेटेड है और हम उसको माइंड में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो सीख जाए उसमें होता क्या है वो नेचुरली जो अपने दिल से कनेक्ट रहता है अपनी अवेयरनेस में रहता है सतर्कता में रहता है एक जागरूकता में रहता है कहते हैं ना छोटे बच्चों की लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है क्यों होती है क्योंकि उनका अटेंशन पूरा होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं अलर्ट रहते हैं बहुत क्विक चीजों को सीख लेते हैं क्योंकि वो अपने हृदय से कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उनको जल्द से जल्द फीड करा करके और उनका माइंड डेवलप कर देते हैं तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन सब ने क्या किया है हमारे हृदय को खत्म करके और हमें लॉजिकल माइंड में शिफ्ट किया गया यानी कि हार्ट को खत्म करके लॉजिकल माइंड में शिफ्ट अब अगर दोबारा बोला जाए कि अपने हृदय में लौटो बड़ा मुश्किल होता है कैसे लौटे हृदय में क्योंकि कभी लौटे ही नहीं है वो रास्ता ही नहीं पता है वो भूल चुके हैं हम रास्ता तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना तो इसीलिए ही जितने भी बुद्ध पुरुष हैं उन सभी लोगों ने समाज के जितने नियम हैं कायदे कानून हैं जो हमारे धर्म हैं उन सब के खिलाफ बहुत कुछ बोला है इसीलिए वो बोलते हैं कि अध्यात्म की तरफ आओ खुद को जानो खुद को नहीं जानोगे तो फिर दोबारा दूसरा वाला रिनेशन चलता रहेगा तो डिपेंड हम पे करता है कि अगर हम माइंड से निकल करके दोबारा अपने हृदय में आते हैं तो हम इस इनकारनेशन रिनकारनेशन को आत्मज्ञान वाला रिनकारनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अब गुरु गुरु क्या होता है गुरु की सही डेफिनेशन तो पत्री सर से बेहतर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं है और जो भी इसमें गुरु की क्वालिटी बताई हुई है वो सारी पत्री सर के अंदर है यानी कि एक मास्टर क्या होता है एक गुरु वो होता है जो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता एक गुरु की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आपको आपके अंदर एक ऐसी पीड़ा पैदा करता है ईश्वर को पाने के लिए एक आप पेन को फील करते हो आप बेचैन रहते हो हमेशा वो आपको जला देता है कि जब तक आप उसको मिलोगे नहीं उसको प्राप्त नहीं कर लोगे आप चैन से नहीं बैठ सकते तो यानी गुरु आपके अंदर वो एक लगन एक आग जो एक बिछड़ना एक जो पीड़ा है ईश्वर की उसको वो पैदा कर देता है कि अब तो तुमको इस पे चलना ही होगा और एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है तो वो कोई भी उसको मतलब स्टॉप नहीं कर सकता उसको रोक नहीं सकता वो एक पीड़ा होती है अपने आप की और उस ईश्वर के बीच जो दूरी है उसके लिए कि क्यों है ये हम लोग कितना पढ़ते हैं ना कितना मेडिटेशन करते हैं कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है तो एक पेन फील होता है कि यार वो कौन सा दिन आएगा कब ऐसा होगा वो दिन आ जाए बस जल्दी से और क्या करना होगा अभी समझ में आया कि कुछ करना नहीं है भाई जो कर रहे हो वो ठीक है अपने आप को खाली करना है बस एक ही चीज करनी है खाली करो खाली करो खाली करो और कोई रास्ता नहीं है जितना भरते जाओगे और दूरी बढ़ती जाएगी खाली करो अपने आप को पहुंचोगे तो जो सच्चा गुरु होता है वो आपके अंदर वो आग पैदा करता है एक जो सच्चा गुरु होता है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता वो यही बोलता है कि अप, अपना दीपक खुद बनो अपो दीपो भगो यानी कि वो उंगली करके दिखा देता है कि रास्ता कहाँ है लेकिन चलना खुद है वो ट्रू मास्टर है मैन इज अ पोटेंशियल गॉड ये चीज पत्री सर ने पहली बार बताई उससे पहले तक सुने थे भाई होता होगा मालूम नहीं विश्वास नहीं होता था पर वो विश्वास जगाया उन्होंने कि मनुष्य में संभावित ईश्वर है यानी मनुष्य का लक्ष्य यहाँ पर ईश्वर बनना है और उससे कम तो चलता ही नहीं है उससे कम आप कहीं भी चले जाए कुछ भी कर लीजिए थोड़े टाइम का आपको मिल जाएगा लेकिन लौट के फेर के फिर दोबारा घूम के इधर ही आओगे तो कोई चीज आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती है जब तक आप खुद को ना पालो तो यहाँ पे जो मनुष्य का जो एक काम है वो बस यही है अपने आप को ईश्वर बनाना वो पूरी संभावना हमारे अंदर है और उससे कम तो हमें संतुष्ट कर ही नहीं सकता यही हमारा लास्ट लक्ष्य कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए जो नाम देना चाहे दे लीजिए लेकिन लास्ट तो यही है कॉन्शियसनेस इज योर नेचर आपकी जो प्रकृति है वो क्या है आपकी चेतना है तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अपने हृदय में जाने के बाद में हम कैसे सुनेंगे क्या जानना है तो अपनी चेतना से जुड़ना है अपने आप को महसूस करना है इस चीज में विश्वास करना है कि हम ना शरीर है ना मन है ना बुद्धि है हम आत्मा है हम कॉन्शियसनेस है हम चेतना है इसको देखो मैं जब पढ़ रही थी ना तो मेरे साथ ना कुछ कुछ चीजों के एग्जाम्पल्स सराउंडिंग में चलते जा रहे थे एक वीडियो देख रही थी मैं ऐसे ही उसमें भी यही चीज थी कि शायद रमन महर्षि की थी किसी ने कुछ डाला था शॉर्ट्स में देख रही थी उसमें था कि हम बॉडी नहीं है तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे मान ले कि हम शरीर नहीं है तो बोलते हैं देखो जब बॉडी पड़ी होती है कोई डेड हो जाता तो क्या बोलते हैं बॉडी पड़ी हुई है।, है ना रखी हुई है क्या कोई चल के आता है तो कोई बोलता है क्या बॉडी आ रही है क्या बोलते हैं हम उसको उसको नहीं कहते ना कि देखो बॉडी चल के आ रही है बॉडी मुझसे मिलने आई है क्या है जीवित है ना चेतना है ना एक पर्सनैलिटी है ना हमारी तो क्या हुआ पहली चीज तो यही कट हो गई कि हम बॉडी नहीं है मीन्स बॉडी का मीनिंग है यहाँ पे बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो हमेशा बेहोशी का ही जीवन जीते यानी कि हमेशा दूसरे के बारे में सोचना और आउटर चीजों पे ज्यादा फोकस करना इनर क्या है उससे मतलब नहीं है सबको मैनेज करके रखना सुसज्जित करके रखना अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते दिखाना नहीं चाहते इवन खुद भी उसको फेस करना नहीं चाहते हम उसको हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं इस, इसका मतलब क्या हुआ हम हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादातर रहते हैं ठीक है तो हम बॉडी नहीं है हम मन भी नहीं है हम क्या है कॉन्शियसनेस है हृदय से कनेक्ट होते हैं तब इस चीज का फील होता है कि हम कॉन्शियसनेस है हम आत्मा है अब ये सारी चीजों को यहां तक हमें लाने से कितने टाइम से कौन रोक रहा है सो so कॉल्ड हमारे प्रीस्ट पुजारी पॉलिटिशियन लीडर्स जो फील फैलाते रहते हैं पुजारी जो है उनका तो काम ही है हाँ वो हमारे फियर पर ही आश्रित हैं ये तो अब सब लोग हम जान ही चुके हैं जितना हम पढ़ते जा रहे हैं शेयर कर रहे हैं उतना हमें समझ में आ गया है कि ये फियर की एनर्जी के साथ या उसी को ही कंट्रोल करके अपना माध्यम बना करके ही उन धन को आगे बढ़ा रहे हैं यानी कि खुद वो जो ईश्वर की भक्ति में लीन है या उनकी पूजा में लीन है वो खुद ही हमको उनसे डरने के लिए बोलते हैं तो जो डराए आपको समझ लो कि वो सही नहीं है वो आपको आपके हृदय से दूर कर रहा है और पुजारी या जो भी है वो कभी नहीं चाहते कि हम अपनी चेतना को जाने क्योंकि अगर आप अपनी चेतना को जान जाते हैं अपने स्वयं को जान जाते हैं तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते फिर आप अपने अपने आप में स्वयं में बिंदास हो जाते हो आपको सच पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हर चीज की आपको पता चल जाती है तो अपने कर्मों को आप बहुत ध्यान रखते हैं किसी को हर्ट ना हो इन चीजों का ध्यान रखते हैं और आप बाहर की जितनी भी चीजें बताई हुई हो उनमें इतना फंसते नहीं है अभी कैरेक्टर कैरेक्टर अभी यहाँ पे दो तरह के हैं एक कैरेक्टर वो है जो हमको बताया जाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप का बिहेवियर जो है हमारा कैरेक्टर बताता है कि हम कैसे कैरेक्टर के पर्सन है वो तो है जो हमें सोशल कंडीशनिंग से मिला हुआ है एक है एक कैरेक्टर वो जो आत्मा का कैरेक्टर होता है जब आप अपने आत्मज्ञान पा लेते हैं अपने स्वयं से मिल जाते हैं तो आपका एक नया कैरेक्टर सामने आता है फिर आप अपने ओल्ड कैरेक्टर को छोड़ देते हैं जो आपको समाज से मिला होता है या जो भी आपकी अपब्रिंगिंग के टाइम तक आपने रखा होता है फिर एक नया कैरेक्टर शुरू होता है आपका जैसे जितने भी बुद्ध पुरुष हो चुके हैं जो भी नाइनटीन मास्टर हो चुके हैं उनका पर्सनैलिटी अलग रहती है उनका कैरेक्टर ही अलग रहता है पता चल जाता है क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद अब वो पुराने वैसे नहीं रहते अब वो नए आ गए उनका डी इनकारनेशन हो गया है जब डी इनकारनेशन अंदर हो जाएगा तो कैरेक्टर भी तो चेंज हो जाएगा ना तो जो सो कॉल्ड कैरेक्टर है जो हम लेबल लगाते हैं वो भी मन की दे है मन और बुद्धि और समाज इसी की ही देन है जो हमने सीखी हुई है तो हमें उन चीजों को धीरे धीरे कम करके अपने रियल कैरेक्टर में आना होगा जो कि हमारा है उसमें है लीव योर ओल्ड वेस अभी क्या है कौन सी चीज है जो हमको हमारे न्यू कैरेक्टर में आने से रोकती है हमारे वही पुराने तौर तरीके जो हम करते आ रहे हैं यानी कि हमें नॉलेज बहुत मिल गई है पता चल चुका है लेकिन हम काम कितना कर रहे हैं अपने ऊपर नहीं कर पाते उतना ज्यादा काम तो जितना ज्यादा आप खुद पे काम करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने पुराने तौर तरीकों से छूटते चले जाओगे और ये इतना स्मूथली होगा कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा अगर मैं पीछे अपनी चार साल पहले को तो खुद को देखती हूँ और आज को देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे तौर तरीके या पुराने ओल्ड वेज हैं जो मैं छोड़ चुकी हूँ और मैं आगे आ चुकी हूँ तो जैसे जैसे अपने ओल्ड वेज को छोड़ते चले जाओगे चाहे वो क्रोध का हो चाहे नफरत का हो चाहे ईशा का हो मैं ये नहीं कहती कि भाई पूरी तरीके से खत्म हो गया लेकिन बहुत कम हो गया है और जब आता है तो पता चल जाता है जो अंत आत्मा है ना वो खुद टोक देती है देखो आ गया ना अभी भी है तुम्हारे अंदर वो बता देता है चाहे कोई बताए नहीं बताए बाहर से तुमको खुद को टोक टोक देता है कोई अंदर की है अभी ये चीज बाकी है और अगर आप उससे ओवरकम हो जाते हो तो भी बता देता है कि हाँ इस बार ठीक है इस बार नहीं आया तो सेल्फ चेक जो करना होता है ना वो अंदर से ही कॉलिंग आ जाती है वो खुद ही हमें बता देता है जितनी भी ये चीजें है ना जैसे क्रोध हो गया तो क्रोध भी क्या एक अग्नि है ईर्ष्या वो भी अग्नि है ठीक है नफरत बदला ये सब अग्नि है आग है जो जला के रख देंगे पूरी तरीके से तो इसको एक फायर ही समझो यानी इसके भी दो मीनिंग एक फायर वो जो टेम्परेचर वाली होती है बाहर की जो को गर्म रखती है आग आग जला देती है एक फायर वो है जो हमारे अंदर जलती है तो जितनी ज्यादा फायर आपके अंदर होगी ना गॉड तो मिलेंगे ही नहीं वो चुपचाप बैठे रहेंगे अपनी जगह पे आप अपना जो कर रहे हो सो करते रहेंगे तो आप, आप खुद को चेक करना है कि आप कौन सी फायर की एनर्जी में हो अभी चेक कर लो खुद को ठंडा कर लो हृदय स्थान में आ जाओ वहां पे कोई फायर है ही नहीं जब फायर से दूर हो गए तो खुद ही अपने आप कनेक्ट हो जाओगे अभी इसमें बुद्ध क्या बोलते हैं हु एवर फॉलो द लॉज इज हैपी बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड ऑल्सो यानी जो भी नियम का पालन करता है नियम का पालन का मतलब है यहाँ पे धम्म का पालन करना यानी कि सत्य को सत्य समझना जो उस नियम का पालन करता है उसके अकॉर्डिंग चलता है वो इस दुनिया में और उस दुनिया दोनों दुनियाओं में खुश रहता है आनंदित रहता है यानी कि आप जो इस क्षण में हो वो ही आपको अगले क्षण में लेकर जाने वाला है यानी अभी इस क्षण में अगर मैं जॉय में हूँ तो नेक्स्ट क्षण आ गया वो भी तो जॉय में गया ना अगर मैं अभी पेन में हूँ तो आगे आने वाले क्षण मिनट और घंटे तो, तो भूल ही जाएगी पहले पहले क्षण देख लीजिए एक एक सेकंड देख लीजिए मोमेंट देख लीजिए वो कैसे जाने वाला है वो पेन में जाने वाला है तो इसीलिए जो अपने नेचर का अनुसरण करते हैं अपने स्वयं का अनुसरण करते हैं अपनी अंतरात्मा का वो क्या है वो इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में खुश रहते हैं क्योंकि वहां कोई इच्छा नहीं है जो सत्य है जो हृदय है उसमें कोई इच्छा नहीं है जो भी सारी इच्छाएं हैं जो भी मन है वो किसमें है असत्य में है और द पर्सन हु फॉलो रूल्स यानी धम्मा रिमेन्स इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वो दोनों ही वर्ल्ड में दुखी होगा क्योंकि हमने दुखी होने की ट्रेनिंग खुद को दे दी है हम उसमें बहुत माहिर हो गए हैं कुशल हो गए हैं अगर आप हर वक्त दुखी रहते हैं तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है परिस्थितियां सबके सामने आती हैं उनका शिकार आप खुद होते हो पर ये जो ज्ञान है आपको जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा आप खुद को उन परिस्थितियों के शिकार होने से रोक नहीं सकते जब आत्मज्ञान हो जाते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मैं कौन सी चीज में हूँ ज्यादा इसमें मुझे टाइम नहीं देना है तो जो लोग भी धर्म का पालन नहीं करते यानी कि विचारों में रहते हैं और कोई भी विचार शुद्ध नहीं है बुद्ध के अकॉर्डिंग जो भी हम सोचते हैं इच्छा आई मन आया मतलब किसी दूसरे के बारे में बात करना किसी दूसरे के बारे में सोचना तो वो जब हम करेंगे तो क्या होता है इस दुनिया में उस दुनिया दोनों में दुखी होते हैं क्योंकि जब कोई यहाँ से इस वर्ल्ड से जाता है अदर वर्ल्ड में जब वो देखता है कि उसने इस पूरी जिंदगी में क्या किया तो वो बड़ा दुखी होता है कि मैंने सिवाय विचारों के अलावा कुछ नहीं किया मैं सिर्फ सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा अपने आप को छोड़ करके बस सोचता रहा मैं यहाँ आया था अपने आप के लिए और बस मैं दूसरों के बारे में ही सोचता रहा चाहे वो इच्छा ले लो चाहे पर्सन ले लो कुछ भी ले लो तो जितने ज्यादा आपकी इच्छाएं होंगी वो वहां भी जाएंगी उधर भी आपको सेम उतना ही पेन होगा उतनी ही दुखी करेंगी आपने खुद पे काम नहीं किया आप अमन की स्टेट में नहीं आए थॉटलेस की स्टेट में नहीं आए आप अपने हृदय से कनेक्ट नहीं हुए तो फिर दोबारा जाओ बार, बार 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 एक ही चीज सीखने के लिए आते हैं कि हृदय में कैसे जाया जाए हृदय में स्थित कैसे हुआ जाए अब ये जो जर्नी है ना विचारों से हृदय की आप सोच लीजिए कितनी लंबी और कितने जन्मों से चलती आ रही है और इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो चुकी है इतना ज्यादा सीख चुके हैं हम कि अब वो दूरी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको खत्म करना भी बहुत मुश्किल सा लगता है लेकिन जब याद आए जैसे याद आए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, हो सके उतनी ज्यादा कीजिए अपने हृदय में रहने की खुद से कनेक्ट होने की जिससे कि आप जब यहां से जाए दूसरे वर्ल्ड में तो आपको देख के अच्छा लगे खुशी हो कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया और जो भी बुद्ध पुरुष ऐसा करते हैं उनको खुशी होती है कि चलो मैं यहाँ पे आया और मैंने वही किया जो मैं करने के लिए आया था वो यहाँ भी खुश रहते हैं आनंदित रहते हैं वहां भी आनंदित रहते हैं और इसका एक सबसे सीधा सा एक तरीका है जानने का अगर आप यहाँ जॉय में हो आनंदित हो इसका मतलब है कि आप खुद से कनेक्टेड हो और जहां आपको कोई चीज परेशान कर रही है कोई भी थॉट जो आपको परेशान कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ आप अपने फिर से माइंड से कनेक्ट हो गए हैं और जो भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ एक आपका ही किया हुआ है नाटक है और आप उसमें फंस रहे हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है रखना है पूरी बात धम्म की एक चीज पे आके खत्म होती है कि चाहे आप कितने सुंदर विचार रख लीजिए पढ़ लीजिए सुन लीजिए ठीक है और ये कोई सुंदर इच्छाओं का सवाल नहीं है कि हम सुंदर सुंदर इच्छाएं करते हैं कल्पनाएं करते हैं ये उनके बारे में कुछ करने का है यानी कि विचार सुनना और पढ़ना इतना ही काफी नहीं है उसको अपने अंदर काम करना है अपने अंदर उतारना है और वो तभी होगा जब आप इस चीज में शामिल होंगे और जब तक आप सुनने के बाद में फिर दोबारा अपनी लाइफ में चले जाते हैं और ठीक है आज का बहुत अच्छा था ठीक है अच्छा बताया था अच्छी चीज पता चली थी लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया आपने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे कैसे करना है तो चाहे मेरी बात हो या किसी की बात हो चाहे मैम बताएं कोई भी बताए अगर आप नई काम करते हो उसको अपने लाइफ में उसको नहीं लेके आते हो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है तो कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती आप वही के वही रह जाएंगे कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है तो इसमें कुछ और भी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने कुछ लिखे हैं कि जीवन में आपके जो बदलाव आता है तो उससे ये पता चलता है कि आपने काम किया है और कार्य किया जा रहा है क्योंकि अगर ये नहीं किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाएगा यानी कि एक शुद्ध विचार है प्योर थॉट्स आप रख रहे हैं रख के ही बस वही, वही खत्म हो जाएगा और इसके बारे में उन्होंने ये चीज एक बताई हुई है मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि दूसरों के बारे में सोचने का मतलब क्या है ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है दूसरे के बारे में सोचने का मतलब है एक तो अशुद्ध विचार दूसरा है मन इच्छा और सपने हमारे सपने भी जैसे हम दिन में विचार करते हैं थॉट्स करते हैं वो थॉट्स हमारी रोजमर्रा की दिन की भाषा है और सपने हमारी नींद की भाषा है तो जैसे हम दिन में सोचते हैं विचार ऐसे ही रात में जो हमारे थॉट्स की लैंग्वेज होती है वो होती है हमारे ड्रीम्स तो हम हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं हमेशा अपने सर में ही रहते हैं और जो सारी समस्याओं का जो एक सोर्स है वो हमेशा सर ही होता है दिमाग ही होता है जिसमें सारी समस्याएं हैं और सॉल्यूशन कहाँ है सॉल्यूशन सिर्फ हृदय में है क्योंकि वो इच्छा रखता ही नहीं है वो तो प्रेजेंट में रहता है और अभी भी है तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो कितनी है किसकी है हमारे मन की है तो सत्य में ना रहना जन्म मृत्यु के फिर से चक्र में फंसना अपने स्वयं से दूरी बनाए रखना चेतना को नहीं जानना हृदय से दूरी ये सभी है दूसरे के बारे में सोचना तो इससे एक क्लिक होता है जैसे हम स्लो में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं जब कभी भी एकदम अचानक से आता है थॉट दूसरे के बारे में सोचना स्टॉप हो जाता है इतनी सारी चीजें माइंड में आ जाती हैं, अरे नहीं दूसरे के बारे में सोचना मतलब इतना सब कुछ है शांत एक ही एक सेंटेंस बोला जाता है साइलेंस बस चुप तो यही सारी चीजें थी जो मैंने इसमें पढ़ी थी और बहुत अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे ले थे और प्रैक्टिस कर रही हूँ उनको बार-बार बार-बार ध्यान दिलाती रहती हूँ खुद को आज मैं अभी फिर नेक्स्ट में और इसके आगे के चैप्टर्स जैसे होंगे शेयर करूंगी आपको थैंक यू सो मच एस धमो सनन्तो ये थैंक यू तो थैंक यू शिल्पी बहुत बहुत सुंदर बताया आपने थैंक यू मैम और मुझे लग रहा है कि काफी कुछ तुम अपने आ, को भी उसमें इंक्लूड कर रही हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है आज का जो तुमने बताया कि जब हमारा दूसरा जन्म होता है जिसको द्विज कहता है कहते हैं बुद्धा और ओशो द्विज जन्म है ना जब हमारा एक्चुअल हम अपनी आत्मा को पा लेते हैं आत्मा को कमाना पड़ता है आत्मा फ्री में नहीं मिलती है ना सब हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा इसीलिए भगवान बुद्ध ने अनात्मा बोला ताकि उतना भी अहंकार नहीं रहे कि आपके पास आत्मा है और हम हैं भी नहीं समुद्र की लहरों से तुलना की है कि एक टाइम आता है कि वो समुद्र में ही मिल जाती है लहरें उठती हैं जन्म लेते हैं हम फिर वापस चले जाते हैं फिर एक टाइम आएगा जब पूरे तरीके से हम समुद्र में मिल जाएंगे तो बहुत सुंदर आपने बताया कंडीशनिंग की जो बात कर रहे थे तुम तो, वाकई कंडीशनिंग इतनी हो चुकी रहती है हमारी अपनी सोसाइटी और फैमिली की कि उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है मतलब तो 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 कितने हमारे विश्वास बन जाते हैं हम पढ़ते हैं शिल्पी मैं भी इतना आपने ऊपर काम कर रही हूं बहुत मुश्किल है अपने परसेप्शन अपनी बिलीफ को हटाना क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं ना और याद करके रखे हुए हैं उसको आप समझ के एक मिनट में अनलर्न नहीं कर सकते उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रैक्टिस चाहिए रहती है तो जैसे आपने कहा प्रीस्ट है हमारे लीडर्स हैं हमारे एजुकेशन ने क्या आ, हमारे लिए कमाल किया आप बताओ ना ट्राई किया है मैं डेवलपमेंट के नाम पे ईश्वर के टेम्पल को खत्म कर दिया मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ जब मैं स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में आई और ओशो को मैंने सुनना शुरू किया सबसे पहले गुरु मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही थे मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सारी डिग्रियां जाके चूल्हे में जला दू क्योंकि मुझे किडनी मालूम है कहाँ है लिवर मालूम है कहाँ है ब्रेन में कितने पार्ट है वो मालूम है हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स है वो मालूम है पर मैं कौन हूं वो मुझे ही नहीं मालूम कर्म सिद्धांत ही नहीं मालूम मैं तो सोचती थी कि जब कोई किसी को फिजिकली हर्ट करता है मर्डर करता है ना उसी को कर्म बोलते हैं तो हम तो बुरा कर्म करते ही नहीं हम तो किसी को धक्का देते ही नहीं मारते ही नहीं मतलब सब पूरा सोसाइटी अपने फायदे के लिए करती है ना जैसे तुमने बोला ना कि आ, अगर हम अपनी चेतना से जुड़ जाएंगे अपने हृदय से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम सोसाइटी के काम के नहीं रहेंगे न माँ बाप आप के काम के रहेंगे इसीलिए तकशिला और कौन सा था एक और यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई क्योंकि जिनके भी बच्चे जाते थे वो सब बच्चे सन्यासी बन जाते थे बच्चों के कारण उनके पेरेंट्स लोगों ने वो, वो यूनिवर्सिटी बंद करा दी कि भैया हमको डॉक्टर चाहिए इंजीनियर चाहिए बच्चे भिक्षु नहीं चाहिए सन्यासी तो बिल्कुल ना चाहिए पर मैं बता रही हूं अगर मेरा बेटा मुझे आके कहे कि मम्मा मैं संन्यास लेना चाहता हूं और मैं नहीं करूँगा संसार में नहीं रहूंगा मैं बहुत इजीली उसकी भावनाओं को समझ के उसको जाने दूंगी और बहुत प्राउड करूंगी क्योंकि बहुत कम आत्माएं होती हैं जो संसार के मोह को छोड़ के इस बात पे चल सके चलिए हम तो संसार में निर्वाण कर रहे थे और मैं काफी भूल गई मैं याद करते जा रही थी तुम जो अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी फिर कुछ याद आएगा तो मैं बोलूंगी बाकी बहुत अच्छा लगा ऐसे लग रहा है कि मेरे एस का रिविजन हो रहा है तो थैंक यू शिल्पी मेरे रिविजन के लिए और इनके मैं कहूंगी कि इनके ना कोई सूत्र भी आप लो आप सूत्र।, ये सूत्र ही है पर वो सूत्र उनकी दूसरी लैंग्वेज में थे ना तो उसको ओशो के बुक में इंग्लिश में ट्रा, ट्रांसलेट किया हुआ है अच्छा हिंदी में नहीं दिया हुआ है मतलब हिंदी तो मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है उसका लेकिन वो इंग्लिश में ही है सारे के सारे सूत्र अच्छा क्योंकि आ, कुछ कुछ सूत्र तो इतने सुंदर है उनके और जो प्रेयर्स के लिए भी उन्होंने मना किया था वो इस ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम दो में डिवाइड करते हैं हम उनसे एक नहीं हो पाते मतलब ईश्वर को जो तुमने कहा कि मानव पोटेंशियल गॉड है He... वो विचार नहीं आ पाता मैम huh? huh? हम, हम भी ईश्वर है हमने खुद को ईश्वर समझ लिया हमने उस अपने आप को उस कैटेगरी में रख लिया हम क्या है हम तो बहुत पुच्छे हैं ये है वो है हम तो गलतियां करते हैं गलतियों का पुतला ये सारी चीजें है ना ये यही सारी चीजों ने हमें रोक के रखा हुआ है तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है इनकी जो उसमें, मैं। उसमें ये था कि अपने पुराने जो है या अपनी धारणाएं है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं नीति नीति करके आ, तो बहुत बहुत सुंदर है पर मैं वही कह रही हूँ कि कंडीशनिंग इतनी बुरी तरह से की हुई है कि शिल्पी कभी कभी मैं भी अपने कुछ बिलीफ को नहीं तोड़ पाती हूँ तो आ नहीं ऐसा कैसे होगा फिर नहीं नहीं, नहीं होगा होगा हो तो थैंक यू चलिए एंड इट फ्लो एकदम फ्लो में आप जा रहे थैंक यू मैम ऐसा लग रहा है आपका स्टडी बहुत है, बहुत नहीं है मैं, मैं नहीं मैंने जो लिखा था ना उसका आधा भी नहीं है ये मैं सोच के रखी थी लेकिन फिर लास्ट में मैंने खुद को ही सरेंडर कर दिया मैंने कहा मैं इतना सारा सोच के करूंगी तो नहीं बोल पाऊंगी मुझे कुछ सोचना ही नहीं है अब जो है जो याद आएगा नहीं बट फ्लो में लग रहा था बिकॉज स्टडी हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आता ही है ना तुमको सोचने की तो जरूरत <laughs> और शिल्पी तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है ना इतनी अः कर्ण प्रिय है मेलोडियस है कि जब आपके शब्द भी पढ़ते ना कान में तो दस कान लगता है छोड़ के से सुनते रहो तुमको गॉड गिफ्ट मिली है इतनी प्यारी आवाज और बहुत अच्छा ज्ञान तुम बहुत मेहनत करती हो बनाना मतलब इंटीग्रेशन सबसे मेन चीज होता है और उसको एक लय में बांधना क्योंकि बुक में या जो ओशो बोलते वो सब बिखरे रहते हैं हमको पूरा ऐसे परोना पड़ता है एक जगह पे तो बहुत ही खूबसूरती से करती हैं तो थैंक यू थैंक यू मैम और खूब प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख रहे हैं आपके चैट बॉक्स में देखिए यस मैम मैं देख रही हूँ थैंक यू सबको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू